हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो रही है मास्क लगा के। बाय बाय। सो गाइस, इन्हें हम छोड़ने आए थे, अभी इन्हें छोड़ दिया, अब हम चलते हैं घर। सो गाइस, हम लोग भी घर आ गए हैं ऋषिकेश, एक घंटे के अंदर अंदर दोस्त लोगों को छोड़ के, और मेरा घर भी अब पास आने वाला है। सो दोस्त लोगों को भी छोड़ के आ गए हैं, और वैसे तो 7 बज गए हैं, बट मेरी शक्ल में इस वक्त 12 बजे। और ये देखो, मम्मी जी ने कपड़े भी धो धा के रख दिए। मम्मी जी का यही काम है बस, डेली कपड़े धोने का, जबकि घर में रहते सिर्फ 3 लोग हैं हम। कच्चे तो नहीं आ रहे फ्रेम में? आए हैं कच्चे, मैंने अभी क्लिप चेक करी तो क्या हो गया है। तो क्या हो, कच्चा यार कौन बहता, कच्चा महंगा, कच्चा ही तो है, कच्चा तो नॉर्मल है यार। भाभी जी आपकी हालत तो भयंकर, पापा जी से भी बदतर हो रही है। सो गाइज, अब जब दिन की शुरुआत हो ही चुकी है तो थोड़ा पढ़ने ही बैठ जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी किताब को ऐसा लगे कि जूजू जी को पन्नों से ज़्यादा कैमरे से प्यार है। सो गाइज, अभी बैठे बैठे मुझे कुछ याद आ गया। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डाला था कि मुझे यार मेरा एक YouTube फैमिली का एक नाम सजेस्ट करो, या एक स्टार्ट के लिए जो एक लाइन होती है ना, कोई सी भी सबके अलग अलग यूट्यूबर की बढ़िया बढ़िया सी, ऐसा कुछ सजेस्ट करना। तो एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया रावत अनिकेत नाम से, मैं आपको सुना देता हूँ। हेलो गाइज, ये चैनल छो मेरो दूजू, नो छो मेरो जूजू, कि चैनल छो मेरो दूजू और नाम छो मेरा जूजू, मीन्स कि चैनल मेरा दूसरा ही है और नाम मेरा जूजू है। बच्चे ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे सेंड किया, बट मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर सकता। चक्कर पता क्या है, क्योंकि मेरी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गढ़वाली नहीं है, दैट्स वाई आप समझ रहे होंगे, बट ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे सेंड किया। थैंक यू सो मच। और हमारे गन्नों के खेत में लगा है कुछ करेला। घर के करेले देख लो गाइस, आप लोग पक्का बोलते होंगे यार ये कैसे बने रहते हैं ना, नंगे पंगे बिल्कुल ही। मैं तब से आवाज मार रहा था इसको, तब से कुकी को आई नहीं, अब दूध वाली गाड़ी आई ना, दूध जी आ गया, अच्छा गाड़ी की आवाज सुनी तुरंत आ गई। इतनी ताकत है आप में भाई। नमस्ते। तो ये है हमारे दूध वाले भैया। बाप रे, दे दो उनकी कटोरी। नहीं उसके, आ जा। ये पता कोई नहीं कि मैं कहीं गिर जाऊंगा, मेरा सर लग जाएगा। अबे क्या हो गया तुम्हें? कुछ गिर तो रहा नहीं कटोरी में, कुछ तो गिरा नहीं, देख तो रहे वो। दूध डालने भी नहीं दे रहे, ले दोनों आटो ऐसे देखना इसमें। एक्चुअली हमारे यहाँ 2 जगह से दूध आता है, एक हमारे दोजी लेके आते हैं, एक हमारे घर से दूध आता है, वो शाम को आता है। चलो ऐसा करो, दूध की एक्सरसाइज, ट्रेनिंग इधर को घूमो, इधर को ऐसा करो, ऐसे करो, हाँ करो 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 करो। वो देख रहा ना, ये गद्दी रखी मुलायम, तो सारी देखो ना, गद्दियों का नाश सारी गद्दियों से आर पार कर दी। हम कूच कर रहे हैं माजरी की ओर, जहां हमें लेने जाना है ऑक्सीजन सिलेंडर। एक्चुअली हमारे दोस्त हैप्पी की दादी जी को अस्थमा प्रॉब्लम है, तो आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड हो रही है, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद आज गोप्रो की टेस्टिंग करते हुए कौवे ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ हैप्पी की खटारा अपने आप ही सपेरा बन रही है, अगर मैं इसका हैंडल छोड़ूंगा तो कप कपाने लग जाएगी। हैप्पी सिंह की हवेली। हैप्पी भाई जी। अरे भाई जी। सो गाइस, प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं, अभी जरा हम अमन भाई को घर छोड़ रहे हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ, हमारा दोस्त अन्नू डॉक्टर आ रहे हैं, हम उनका ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कुछ मीटर वगैरह भी होता है, उसका भी हिसाब है, तो थोड़ा रुक रहे हैं हम। बाकी अब मजा लीजिए शानदार गली में मेरी स्कूटी राइड का। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, सच में मैं अंदर से इतना ज़्यादा भीग गया हूँ ना, इतनी गर्मी हो रही है ना, छिछी। कभी कभी तो मन करता है अपने खोपड़े के ऊपर ना पंखा लेके ही घूमूं। फुकरा नौंडा देखना क्या खुश हो रहा है लड़की को क्रॉस मार के, बहुत अच्छा काम कर दिया होगा। ओ भाई इतने कव्वे क्यों हो रहे हैं इसी जगह पे हो रहे यार। तो गाइस थोड़ा अब घर में हम भी कर लें रेस्ट। तो यार गाइस, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तू 3-4 दिन से गायब है, क्योंकि मैं रात रात तक आ रहा हूँ, और पापा जी आज बोल रहे हैं कि मैं दारू वारू पीना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्द मैं आपको अपने पापा जी के साथ घुट्टी लगाते हुए दिखूंगा, ऐसा पापा जी का कहना है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप पापा जी को बता दें कि मैं नहीं पीता, स्टेटस पर रहता है ना ऐसे, मैं मतलब बोतल भी नहीं रहती, नॉर्मल है अभी बियर का ग्लास, बट मैं नहीं पीता,
ठीक है, तभी मुझे इतनी आज़ादी है घर से कि मैं रात को 3 बजे भी घुसूँ तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता। बाकी मेरे पापा जी तो शराबी हैं और चल बस शराबी का चक्का पिया मैंने शराब शराब पी के आते हैं और मम्मी जी की पिटाई करते हैं। ऐ सब झूठ बोल रहे हैं। एक ही दिन पता चला जिस दिन घर में ताला लगा और मम्मी जी को पीटते देखो मम्मी जी कितने निशान पड़े मार के। तो गाइस अभी अभी मुझे पापा जी ने बताया कि हमारे घर की सारी ताकत पावर ऑफ अटॉर्नी मम्मी जी के नाम होने जा रही है आज, इसीलिए मम्मी जी खुश है। इसका मतलब सारा पैसा मम्मी जी के हाथ में और हमें मम्मी जी से वो पैसा छीने जमीन घर जेवरात बचा हुआ पैसा। दोस्तों ये बहुत महंगा है, डायमंड क्या बोले इसको, डायमंड हाँ डायमंड हीरा डायमंड डायमंड बालों पे लगाने वाला कोहिनूर पत्थर। चिकन वगैरह खाओ, खूब सैलेड खाओ, आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती, पर वैक्सीनेशन जरूर कराओ ठीक है। ये नहीं कि चिकन खा लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हो प्रोटीन्स वाली और बेफिक्र होकर बैठे हो कि बस हमें कुछ नहीं होगा, वैक्सीनेशन करा लो ठीक है गाइस। तो शाम हो चुकी है तो अभी बता देता हूँ, कल ना कल अभी चमोली जी और तुषार आए थे घर में, तो कल बहुत ही तगड़ी लोकेशन में जाने हैं, बहुत ही मतलब अभी तक अनएक्सप्लोर बोल सकते हो उस जगह को, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, उसका व्लॉग आएगा बट परसों। फिलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ करछी लेने, क्योंकि जो करछी हम कल लेके गए थे पिकनिक पे वो शिवम की गाड़ी के अंदर ही रहेगी और गाड़ी अंदर से क्या होगी लॉक। तो फिलहाल घर में करछी नहीं है, मम्मी जी पलटे से काम चला रही है, तो अभी करछी लेने भी जाना और अर्जुन सर के पास भी जा रहा हूँ, कल से फ़ोन कर रहे हैं गाली दे रहे हैं भाई आ जाओ। तो गाइज अभी मैं अर्जुन सर के पास आ रखा हूँ और अभी आते आते क्या हुआ, मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, वो पता नहीं क्या रखा हुआ था वहाँ पे, वो एकदम से गिरा सीधा मेरे पैर पे, मैं सुन्न पड़ गया हूँ, तब से मैं यहाँ पे बैठा हुआ कोने में। तो आप तो उल्टा सोच रहे होंगे मैं सुट्टा लगा रहा हूँ कोने में, है ना, सुट्टा वुट्टा कुछ नहीं पीता मैं, हाँ पहली बोल दूँ। सो गाइज मैं घर आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यार बाहर, और करछी मिल गई है। छोड़ो यार बताऊंगा नहीं कहाँ से लेके आया, मैं बड़े खोज पीट के निकाली आधे घंटे से ढूंढ रहे थे करछी, बट करछी घर लेके आनी ही थी वरना मम्मी जी बहुत गाली देती और इसमें काफ़ी धूल हो रही है, बट कोई बात नहीं वॉश होके काम हो जाएगा, क्लीन हो जाएगी ना। तो यार मैं अपने के लिए फ्राइड राइस बनाने वाला हूँ, ये रहा मेरा मल्ला पानी आंडू, ये पड़ा जीरा और ये पड़ा बैंगन और मुझे करेला भी बहुत अच्छा लगता है, शिमला मिर्च तो मैं खूब खाता हूँ कच्ची भी। तो यार बढ़िया करके मटेरियल तैयार हो रहा है, तो ये हमने डाल दिए हैं आलू, अब इसमें पड़ेगा ये बासी चावल परसों का। देखने से तो ये पोहा लग रहा ना, बट ये है एग फ्राइड राइस और ये एकदम डन हो गया है। बाकी कल वाला व्लॉग नहीं, कल के अगले दिन वाला व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही तगड़ी जगह जा रहे हैं हम, बहुत ही तगड़ी। सो गाइस डिनर वगैरह बिल्कुल एकदम डन हो गया है, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ कल की पिकनिक के लिए सामान लेने, और हैप्पी का स्कूटर भी मेरे पास ही है, वो भी मुझे छोड़ना है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वैसे मैं ये क्यों बोलता हूँ ये मतलब लास्ट में क्यों बोलता हूँ, मुझे शुरू में बोलना चाहिए मतलब, क्योंकि जो नया व्यूअर होगा वो तो स्टार्टिंग में देखेगा एंड तक तो कोई भी नहीं आता, बट कोई बात नहीं, फिर भी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें। इस ब्लॉग में इतना ही था, अलविदा लेते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू।